गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक। कोरोना के चलते आयोग ने 7 दिन बढ़ाया बैन। घर घर जाकर प्रचार करने में अब 5 की जगह 10 लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, देश में 5 चुनावी राज्यों में अभी रैलियों और सभाओं पर बैन नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को यह फैसला लिया। आयोग ने रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद फैसला लेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद 22 जनवरी तक इस बैन को बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इसको 22 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया है। दोस्तों, आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 10 कर दी है, जो कि पहले 5 थी। वहीं फेज 1 के लिए राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की बैठक तय की गई खुली जगह पर 500 लोगों की लिमिट के साथ। गाइडलाइन के मुताबिक ग्राउंड की क्षमता का 50% ही की जा सकेगी। यह 28 जनवरी से 8 फरवरी हो सकेगी। फेज 2 के लिए यह छूट 1 फरवरी से 12 फरवरी तक रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव पर कृषि मंत्री का पलटवार, बोले उनकी बातों पर हंसती है जनता। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। राजनीति की इस सरगर्मी से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। इस चुनावी सिलसिले में पश्चिम यूपी के लोगों का एक मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है, वह है कृषि कानून। दरअसल केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन फिर भी पश्चिमी यूपी के लोगों में ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों, जब जी न्यूज के रिपोर्टर ने यह पूछा कि क्या किसानों का मुद्दा अभी भी है या लगता है खत्म हो गया, इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लगातार किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। उस पर बड़ा काम हुआ है। किसान ने परीक्षण किया, सरकारी सुविधाएं मिली, उनके खेत में उत्पादन की बढ़ोतरी हुई, उत्पादकता बढ़ी है और किसानों का जो उत्पादन है, सरकार ने पहले से ज्यादा यूपीए सरकार की तुलना में दुगनी खरीद की है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि वह ख्याली पुलाव ज्यादा बनाते हैं, जनता उनकी बातों पर हंसती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, यूपी में वोटिंग से पहले बदले गए 3 डीएम और 2 एसपी। जी हां दोस्तों, चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग ने यूपी के 3 जिला अधिकारी डीएम और 2 एसपी को हटा दिया है। दोस्तों, फिरोजाबाद, कानपुर और बरेली के डीएम बदल दिए गए हैं, साथ ही कौशाम्बी और फिरोजाबाद के एसपी भी बदले गए हैं। फिरोजाबाद के नए डीएम होंगे सूर्यपाल गंगवार, जो वहीं शिवपाल द्विवेदी बरेली के नए डीएम का चार्ज संभालेंगे। इसके अलावा कानपुर नगर के नए डीएम नेहा शर्मा होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल कई अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाते आए हैं। ऐसे में ये कार्यवाही अहम मानी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन कर रहा है लोगों के दिमाग पर अटैक, महीनों तक आपको कर सकता है परेशान। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में काफी दहशत फैला रखी है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं, ये कई लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहा है। शोधकर्ता अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि ओमिक्रॉन का एक लक्षण कई महीनों तक बना रह सकता है। रिसर्चर का कहना है कि इस लक्षण को दूर होने में साल भर का समय लग सकता है, जिसके चलते यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ब्रेन फॉग के तौर पर इस लक्षण की पहचान की है। इससे आपकी याददाश्त पर असर पड़ सकता है और यह आपको मानसिक तौर पर प्रभावित भी कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस दौरान व्यक्ति के अंदर कोरोना के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यह आपकी याददाश्त को प्रभावित करेगा, जिससे आपको लगातार भूलने की दिक्कत आती रहेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर झिया झाओ ने कहा कि यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि टेस्टिंग के समय कोरोना के इन मरीजों ने किसी भी प्रकार के लक्षण को महसूस नहीं किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। निवेशकों को जमकर घाटा, क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट, मार्केट कैप 75 लाख करोड़ रुपए घटा। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है, इस वजह से इसका मार्केट कैप 75 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान बिटकॉइन को हुआ। नवंबर में क्रिप्टो करेंसी की कीमत में जबरदस्त तेजी रही। सबसे लोकप्रिय करेंसी बिटकॉइन की कीमत $67,803 पर पहुंच गई थी। पिछले 6 महीने में इसके भाव में दुगने का इजाफा हुआ
था। इस सेक्टर का कुल मार्केट के पहली बार नवंबर में $3.1 trillion पहुंच गया था। अब यह घटकर $1.9 trillion पर आ गया है। $1 trillion का मतलब 75 लाख करोड़ रुपए होता है। दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो की सबसे लोकप्रिय करेंसी है, इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक जो भी इसका तामझाम था वह गायब होता दिख रहा है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा बाजार को दिए गए राहत पैकेज वापस लेने के इरादे ने दुनिया भर में इस जोखिम भरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा अनाज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन दे रही है। अब इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली NCR में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जाते आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का काम भी चल रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आप तुरंत इसको लिंक करवा लीजिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे लिंक करवाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमित शाह का केरला में डोर टू डोर कैंपेन, बोले पलायन करने वाले अब पलायन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के शामली के केरला में डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना है तुष्टिकरण और एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना होगा तो भाजपा को विजय बनाए। वहीं शाह ने केरला से पलायन करने वाले परिवारों से भी मुलाकात की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रचार अभियान को अब और ज्यादा बल और ऊर्जा मिल गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका में पढ़ने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी, बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में विशेषज्ञता लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलावों की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। दोस्तों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार विदेश विभाग उन क्षेत्रों में आने वाले योग्य छात्रों को 36 महीने के शैक्षणिक प्रशिक्षण को पूरा करने की अनुमति देगा, जिन्हें STEM के रूप में जाना जाता है। इन छात्रों को अमेरिकी व्यवसायों से जोड़ने के लिए एक नई पहल भी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 27 मार्च से मुंबई में होगा IPL 2022 का आगाज। वानखेड़े, बैबरोन और DY स्टेडियम में खेले जाएंगे टूर्नामेंट के सभी मैच। हालात बिगड़े तो पुणे में बैकअप ऑप्शन। जी हां दोस्तों, IPL 2022 के आयोजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही किया जाएगा और आगामी सीजन के सभी मुकाबले मुंबई में ही खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एक सूत्र ने ANI को जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। दोस्तों, शनिवार को BCCI और सभी टीम फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच मीटिंग में बोर्ड ने अपनी पसंद के बारे में भी बताया। ANI की रिपोर्ट के अनुसार पूरे टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई के 3 स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और DY पाटिल स्टेडियम में किया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मुकाबलों का आयोजन पुणे में भी किया जा सकता है। साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार भी टूर्नामेंट दर्शकों के बिना ही खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर कम है घातक, स्टडी में हो गया खुलासा, हॉस्पिटलाइजेशन की दर घटी, मौत का आंकड़ा भी हुआ कम। जी हां दोस्तों, देश में जारी कोरोना महामारी की तीसरी लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा पिछले अन्य दो लहरों की तुलना में बेहद कम रहा है। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में ICU बेड्स और ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा नहीं रही, जबकि पहली और दूसरी लहर में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा थी। यह स्टडी देशभर में मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में भर्ती कोरोना के मरीजों पर की गई स्टडी में हुआ। इसमें मरीजों को ICU और ऑक्सीजन की जरूरत, साथ ही COVID-19 से होने वाली मौतों को लेकर अध्ययन किया गया और इन आंकड़ों की तुलना कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान पैदा हुए हालातों से की गई। NDTV में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार इस स्टडी में यह अहम बातें सामने आई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में आई कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम रही। पहली और दूसरी लहर की तुलना में हॉस्पिटल में ICU बेड्स की जरूरत कम पड़ी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में क्रूड बम फटने से 3 बच्चे घायल, ग्रामीणों का आरोप, निकाय चुनाव से पहले जुटाया गया असलाह। दोस्तों जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों जान लेते हैं खबर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक क्रूड बम के फटने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा मुर्शिदाबाद जिले के बेरहमपुर इलाके में हुआ, जहां शनिवार सुबह 3 बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान क्रूड बम को बोल समझकर उठाने के कारण ये बच्चे हादसे का शिकार हो गए। इन बच्चों की उम्र 11 से 14 साल की है। इन 3 बच्चों की पहचान ममून अली, आशिक शेख और जेवेल शेख के तौर पर हुई है। दोस्तों हादसे में घायल इन 3 बच्चों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इन बच्चों में ममून अली की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे कोलकाता रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये 3 बच्चे ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान 3 बच्चे बॉल उठाने के लिए खेत की ओर गए, जहां उन्हें क्रूड बम दिखाई दिया। हालांकि गेंद का जैसा आकार होने की वजह से बच्चों ने उसे बॉल समझी। जैसे ही इस बम को उठाकर बच्चों ने फेंका तो ब्लास्ट हो गया। इस विस्फोट में 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में लगी आग। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी की चमक भी बढ़ गई है। इस कारोबारी सप्ताह में सोने के भाव में 466 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 3182 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक 17 से 21 जनवरी के बीच की शुरुआत में 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोने का रेट 48,112 रुपए था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 48,608 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की शुरुआती कीमत 61,759 रुपए थी, जो कि बढ़कर 64,941 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धर्म संकट में पड़ी हिंदू धर्म संसद, नरसिंहानंद पर अवमानना की मंजूरी के बाद अलीगढ़ में धर्म संसद टली, भड़काऊ बयान पर दिल्ली कोर्ट भी करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में हुई धर्म संसद में कथित हेट स्पीच में शामिल धर्म गुरुओं और कथित राष्ट्रवादियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए धर्म संसद के नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी है। उधर अलीगढ़ में 22-23 जनवरी को होने वाली धर्म संसद को टाल दिया गया है। वहीं 17 दिसंबर को दिल्ली में हुई हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यक्रम में भड़काऊ सांप्रदायिक बयान देने पर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के खिलाफ दायर याचिका भी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी ला रहे हैं ऐसा नियम, जब चाहेंगे IAS और IPS को दिल्ली बुलाकर खड़ा कर देंगे, ममता जैसे नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, पिछले साल भर से मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक IAS अफसर की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मोदी सरकार ने बंगाल के IAS अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने को आदेश दिया था, लेकिन न तो अल्पन ने ऐसा किया और न ही ममता ने उन्हें रिलीव किया। अल्पन ने रिटायरमेंट ले लिया और ममता के मुख्य सलाहकार बन गए। अब मोदी सरकार IAS अफसरों की नियुक्ति के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रही है कि बंगाल या कोई भी राज्य सरकार केंद्र के बुलावे पर किसी भी IAS अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएगा। बंगाल की CM ममता बनर्जी, राजस्थान के CM अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र में नियुक्ति के लिए IAS की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने IAS की नियुक्ति के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर प्रतिक्रिया भी मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा चुनाव बाद बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन को तैयार है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए
दरवाजा पूरी तरह से बंद है, लेकिन अन्य दलों के लिए खुला हुआ है। कांग्रेस यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही है। प्रियंका ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक समान शैली की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है उस तरह की राजनीति से। सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा होता है और वह है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को सीएम फेस बताने वाली प्रियंका गांधी ने एक दिन बाद अपने बयान पर सफाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे सीएम का चेहरा बनने जा रही हैं। प्रियंका ने कहा कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस हूं। मैंने ये सब चिड़ में कहा था क्योंकि मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान, यूपी चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम बेल। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इसके लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी दलों ने पहले और दूसरे चरण के लिए जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, उन्होंने आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए नामांकन पत्र खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं खबर है कि सपा नेता आजम खान भी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए आजम खान के नाम से 3 पर्चे भी खरीदे गए हैं। हालांकि अभी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुबई के यूट्यूबर ने 12 दिन बंद ग्लास बॉक्स से की लाइव स्ट्रीमिंग, जुटाए 82 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, दुबई के यूट्यूब स्टार अबो फला ने पूरे 12 दिन तक एक ग्लास बॉक्स में अपनी जिंदगी बिताई। उन्होंने ग्लास बॉक्स में बंद होकर लगातार लाइव स्ट्रीमिंग भी की। ऐसा उन्होंने भीषण सर्दी से जूझ रहे जॉर्डन, लेबनान, इराक के शरणार्थियों की मदद के लिए किया है। बुर्ज पार्क में 12 दिन के इस इवेंट के जरिए 21 साल के अबो फलाह ने 1.1 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 82 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया। अबो फलाह के इस इवेंट के जरिए जुटाए गए दान की राशि से क्षेत्र के 110,000 से अधिक शरणार्थी परिवारों की मदद की जाएगी। इस पैसे को इन शरणार्थियों के लिए भोजन और गर्म कपड़ों जैसी जरूरत की चीजों की व्यवस्था करने में खर्च किया जाएगा। साथ ही सीरिया और मिस्र में कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अबो फलाह दुबई में 7 जनवरी को ग्लास बॉक्स में बंद हुए थे। उनका लक्ष्य इस अनूठी स्ट्रीमिंग के जरिए 1 करोड़ डॉलर जुटाना था। लक्ष्य हासिल होने के बाद वे बुधवार रात को कांच के बक्से से बाहर निकले। स्ट्रीमिंग के दौरान उन्होंने 2.37 करोड़ से अधिक फैंस के साथ अनुभव शेयर किए। इससे दुनिया के 154,779 लोग दान करने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घरेलू हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर, केबिन में सिर्फ एक बैग लेकर कर सकेंगे अब यात्रा। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन ब्यूरो ने हवाई अड्डों से कहा है कि वे यात्रियों को सिर्फ एक हैंड बैग ले जाने की इजाजत दें। ऐसे में अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और हैंड बैग के रूप में 2-3 छोटे छोटे थैले ले जाते हैं तो अब आपको सावधानी बरतनी होगी। BSSC ने एयरपोर्ट को कहा है कि वे केबिन के अंदर एक यात्री का एक बैग के नियम का सख्ती से पालन करवाए। BCAS ने हवाई अड्डों के संचालकों और एयरलाइन को नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए कहा है, क्योंकि यह पाया गया है कि हवाई अड्डों पर एक से अधिक केबिन लगेज बैग रखने वाले यात्रियों से सुरक्षा चेक इन काउंटरों पर मुश्किल होती है। यात्री एक से अधिक हैंड बैग लेकर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें क्लियरेंस देने में अधिक समय लगता है। ऐसे में यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ जाती है। दोस्तों BCAS आगे एयरलाइंस को बोर्डिंग पास और टिकट पर एक संदेश डालकर यात्रियों को इसके बारे में सचेत करने के लिए भी कह रहा है। इतना ही नहीं, नागरिक उड्डयन निकाय मंत्रालय ने भी हवाई अड्डों को कड़े नियमों के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए हवाई अड्डे परिसर में होर्डिंग लगाने के लिए भी कहा है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट पर और फ्लाइट के दौरान सभी नियमों का पालन हो। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इसी हफ्ते शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों को 28 फरवरी 2022 तक निलंबित कर दिया है। पहले यह निलंबन 1 फरवरी तक था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर दोस्तों जानते हैं आप इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।